अटल जी, ये बहुत गंभीर कर देने वाला है जो मेरा क्षेत्रीय समस्या बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है 2019 के मद्देनजर मेरी विधानसभा में विधायक हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, इसलिए इस सदन की जानकारी में लाना चाहती हूँ। अध्यक्ष जी, मेरी विधानसभा मजनू टीला के अरुणा नगर गुरुद्वारे के साथ पाकिस्तान से आए लोगों का निरंतर आना जारी है। लास्ट जो मैं वहां पर पता करके आई हूँ, मात्र 2 हफ्ते पहले ही एक पूरा परिवार पाकिस्तान से आया है और वहां जितने भी लोग रहते हैं सबके पास पाकिस्तान के पासपोर्ट है, सबकी जो अवधि वीजा की अवधि है खत्म हो चुकी है, सब बिल्कुल अवैध तौर तरीकों से वहां रह रहे हैं या उन्हें रखा जा रहा है, और उनके लिए यमुना बेल्ट उस तरफ जो है उनको लगातार यमुना रिवर बेल्ट पर बसाया जा रहा है। बार बार मुझे कहा जाता है विधायक के तौर पर, माननीय आधार के तौर पर मुझे उन्हें बिजली, पानी, सीवर, सड़क, शौचालय देने हैं, लेकिन मेरी मजबूरी यह है कि वो यमुना रिवर बेल्ट है, मैं वहां कोई भी उन्हें सुविधाएं नहीं दे पा रही, फिर भी टेम्परेरी कुछ शौचालय, पीने के पानी के टैंक ये हम दे पा रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, अभी जो वाक्य हुआ वो पिछली बारिशों में जो अभी गुजरी है, बहुत बारिश हुई, पानी घरों में भरा और वहां पर यमुना की तरफ जो पानी छोड़ना था वहां से छोड़ने नहीं दिया गया, क्योंकि यहां के लोग जो हिंदुस्तान भारतीय सालों से बसे हुए हैं, यमुना के उस तरफ जहां पानी छोड़ना था वहां पर पाकिस्तान से लाकर लोगों को लगातार बसाया जा रहा है, अवैध इलीगल तौर पर बसाया जा रहा है और भू माफियाओं के साथ मिलकर सरकारी जमीनों पर कब्जे करके उन्हें बसाकर वहां पर दोनों को भिड़वाने की, हिंसा कराने की पूरी एक साजिश की जा रही है। इतना ही नहीं, जो 3 साल 4 साल पहले पाकिस्तान से आकर वहां पर बसे हैं, जिनकी अवधि वीजा की खत्म हो चुकी, जिन्हें भारत सरकार बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रही, ये हमारी भी सुरक्षा के साथ, राज्य की सुरक्षा के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि उन लोगों के पास कोई भी सरकारी दस्तावेज नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, वो कहां देश में घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, किस मकसद से है, कोई इसकी जांच करने वाला नहीं है। मैं बार बार कह चुकी हूं, क्योंकि जब पानी छोड़ने की बात आई, अध्यक्ष जी, पानी नहीं इस तरफ से छोड़ने दिया गया, क्योंकि छूटता तो वहां जो यमुना की तरफ बसाया गया है लोगों को वो डूब जाते। अध्यक्ष जी, मैं ये कह रही हूं, ये जब पूछा गया कि आपको यहां पर भारत सरकार लाई है मानवीय आधार पर, आपको यही क्यों यमुना बेल्ट पर बसाया है, देश बहुत बड़ा है, किसी भी शुभ जगह ले जाकर एक मानवीय आधार पर, उनका ये कहना था, उनका एक मकसद है 2019 के चुनाव में सिर्फ उन हिंदू पाकिस्तानी शरणार्थियों को पूरी तरह 19 में इस्तेमाल करना और ये सिर्फ साबित करना कि पाकिस्तान में हिंदुस्तानियों के साथ, हिंदुओं के साथ कैसा होता है और राजनीति के तौर पर उन्हें एक हथियार बनाकर इस्तेमाल करने की एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। इन सब लोगों का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, सब लोगों को वीजा की जांच होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा खिलवाड़ जो है वो भारत की मोदी सरकार, भाजपा सरकार कर रही है।